ASN24 पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं KSN24। KSN24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरिया जिले के चिरमिरी रेलवे स्टेशन में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि चिरमिरी रेलवे स्टेशन में कोयले से लदी मालगाड़ी दूसरे राज्य में जाने के लिए लोड की जाती है, जिसका टेंडर प्रक्रिया ACCL के माध्यम से किया जाता है। उसके उपरांत DO स्वामी उस कोयले को मालगाड़ी के वेगन में लोड करवाते हैं। वेगन में लोड कोयले की सैंपल के लिए कंपनी द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। यह घटना उस वक्त घटी जब वेगन से कोयले का सैंपल लेने के लिए मुकेश जायसवाल ऊपर चढ़ा हुआ था। हाई टेंशन तार पर ध्यान न जाने के कारण यह दर्दनाक हादसा घटित हो गया। जब हमने स्टेशन मास्टर से बात की तो उनका कहना था कि दोपहर 1:40 पर अचानक तेज आवाज आने पर बाहर निकल कर देखा तो मालगाड़ी के वैगन में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसके शरीर से धुएं निकल रहा है। मैंने तत्काल इसकी सूचना चिरमिरी पुलिस एवं GRP को दी और पतासाजी करने पर पता चला कि यह मृत व्यक्ति नागपुर रोड निवासी जिसका नाम मुकेश जायसवाल है। मृतक के घर के लोगों को इस घटना की सूचना दे दी गई है। सोचनीय विषय यह है कि रेलवे प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वैगन में चढ़ने वाले व्यक्ति के पास सुरक्षा उपकरण है कि नहीं। बिना सुरक्षा उपकरण के वैगन में चढ़ने पर इस प्रकार की घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। मतलब 1:40 की घटना है, अचानक बहुत जोर की आवाज़ हुई और हमने बाहर निकल के देखा तो वैगन में वो एक आदमी गिरा हुआ दिखाई दिया और वहाँ से धुआं भी निकल रहा है। तो ये उसी समय की हादसा है। ये आदमी जहाँ तक पता चला इसका नाम मुकेश जायसवाल है और ये नागपुर का रहने वाला है। इतनी जानकारी हो पाई है और बाकी पुलिस के आने से वो जानकारी हो पाएगी। क्या करने के लिए चढ़ा था सर? क्या जानकारी? कोई कह रहा है सेल्फी ले रहा था, कोई कह रहा है कि ये कोल सैंपलिंग वाला है। अभी पता लगेगा जब थोड़ी देर बाद। अभी तक इनके परिजन को जानकारी हो गई है? कोई बता रहे थे मुझे कि इनके भाई साहब लोग आ गए हैं, किंतु अभी तक मेरे पास किसी कोई नहीं आ पाए हैं और मैं भी यहाँ से जा नहीं पाता हूँ। सैंपलिंग की जो बात सामने आ रही है सर, क्या वो कंपनी वाले सैंपलिंग के लिए जानकारी दे रहे हैं? कंपनी सैंपलिंग करवाती है। जी जी, तो जानकारी दे रहे हैं कि मेरे बंदे हैं कि नहीं है? नहीं, देखिए अभी तक तो मुझे मेरे पास कोई नहीं आया है। जी, तो इसकी शिकायत दर्ज करा दी है सर? ये हमारे RTF को, GRP को, लोकल पुलिस को सभी जगह इन्फॉर्मेशन दे रही है। पहुँच गए हैं सर? लोकल पुलिस तो आ गई थी, अभी RTO स्टाफ पहुँच रहे हैं। संबंध में तो विस्तृत जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन यह है कि यह ट्रांसपोर्टिंग का काम चिरमिरी OCM से करता है और SMC पावर का उड़ीसा के लिए जो यह कोयला जाता है उसी को देखरेख करता था। अब ये रेक लोडिंग में यहाँ उसकी रेक लोडिंग भी होती है, बाकी अभी इसके जांच में पता चलेगा कि SMC पावर का ही वो रेक लगा था, उसी को हो सकता है वो देखने आया हो कि माल कैसा लोड हुआ है, उसी बीच उसके दुर्घटना हो गई है। कौन है, जान पहचानते हैं क्या? भाई मुकेश जायसवाल है, नागपुर का। हम भी नागपुर के रहने वाले हैं और नागपुर का वो भी है, ट्रांसपोर्टिंग का काम ही करता है, साथ में हम लोग सब एक दूसरे के ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। उनकी घर वालों को जानकारी दे दिया गया है? घर वालों को जानकारी दे दी गई है, वो लोग आते ही होंगे। KSN24 न्यूज़ के लिए बाला राव की रिपोर्ट।